और आज की ये पहली रिक्वायरमेंट यूरोप के लिए है लुथानिया, और देखिए इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 5 मई को नवी मुंबई में। ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है, इसमें इन्हें जरूरत है MIG और TIG वेल्डर्स की, मरीन पाइप फैब्रिकेटर्स, शिप हल फैब्रिकेटर्स, फर्नीचर कारपेंटर्स, ईपॉक्सी फ्लोरिंग टेक्नीशियंस, और इसके अलावा प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, फिनिशिंग कारपेंटर्स और फायर स्प्रिंकलर फिटर्स की रिक्वायरमेंट है। और देखिए इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास शिप बिल्डिंग या शिप यार्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है ये यूएई के लिए है, एक सुपरमार्केट का रिक्वायरमेंट है जिसमें कई सारी ओपनिंग्स है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सेल्समैन ग्रोसरी के लिए, फिर सेल्समैन फ्रोजन बिवरेजेस और डेयरी के लिए, इसके अलावा सेल्समैन चाहिए हाउस होल्ड और डिस्पोजेबल्स के लिए, और हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए भी सेल्समैन चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी सेल्समैन चाहिए, और फिलिपिनो फूड के लिए भी सेल्समैन चाहिए, और रोस्टरी के लिए भी सेल्समैन चाहिए। इसके अलावा फिश मॉन्गर, बचर और कैशियर की भी रिक्वायरमेंट है। इन सभी पोस्ट के लिए देखिए आपके पास कम से कम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सुपरमार्केट में, GCC में। और इसमें देखिए कंपनी आपको रहना, खाना, ट्रैवलिंग और मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है नाफको दुबई का रिक्वायरमेंट है, ये चेसी असेंबली और फायर ट्रक डिविजन के लिए है। इसका देखिए क्लाइंट इंटरव्यू जो होगा दिल्ली और मुंबई में इसी हफ्ते में होने वाला है। तो रिक्वायरमेंट सब देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट है डिजाइन इंजीनियर्स की, प्रोग्रामर फॉर ट्रक्स और ऑफ रोड मशीनरी के लिए, हाइड्रोलिक टेक्नीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग फोरमैन और सुपरवाइजर, इसके अलावा हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, मिलिंग और लाथे मशीन ऑपरेटर, हैवी ड्यूटी मैकेनिक ट्रक के लिए और मैनेजर, इसके अलावा फैब्रिकेटर की जरूरत है, सीनियर ऑटोमोबाइल पेंटर की जरूरत है, ऑटोमोबाइल एसी टेक्नीशियन चाहिए, शॉर्ट ब्लास्टिंग ऑपरेटर, BOQ कॉन्ट्रैक्टर, चेसी असेंबली टेक्नीशियन, बेंडिंग मशीन ऑपरेटर और टेस्टिंग टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी ले लीजिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए रिक्वायरमेंट कतर के लिए है, इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है जमशेदपुर में 6 मई को। रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं, इन्हें जरूरत है लाइट ड्राइवर्स की, इसमें 30 लोगों की जरूरत है। सैलरी आपको दी जाएगी 1800 कतरी रियाल, और फिर इसके अलावा हैवी ड्राइवर्स की भी जरूरत है, 20 लोग चाहिए, इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 2100 कतरी रियाल, और एक्सकावेटर ऑपरेटर के लिए 20 लोग चाहिए, इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 2200 कतरी रियाल, और फोकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी 20 लोग चाहिए, इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 1600 कतरी रियाल, इसके अलावा क्रेन कम बूम ट्रक ऑपरेटर के लिए 15 लोग चाहिए, इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 2200 कतरी रियाल, और रिजर जो कि सर्टिफाइड होना चाहिए इसके लिए 30 लोग चाहिए, और सैलरी आपको दी जाएगी 1300 कतरी रियाल, इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर और जनरल हेल्पर के लिए भी 50-50 लोग चाहिए, और दोनों भी पोस्ट के लिए सैलरी आपको दी जाएगी 1000 कतरी रियाल, और गैस कटर के लिए 70 लोग चाहिए, और इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 1200 कतरी रियाल। और देखिए ऑपरेटर्स और ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके पास GCC का लाइसेंस होना जरूरी है,
8 घंटे की ड्यूटी रहेगी कंपनी के द्वारा, आपको रहना खाना ट्रैवलिंग और मेडिकल और ओवर टाइम भी दिया जाएगा। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले स्क्रीन पे दिए गए इस कंसल्टेंसी के व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पर कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। देखिए ये रिक्वायरमेंट जो है अबू धाबी के लिए है, यूएई, और ये जो है एक एयरलाइन कंपनी का रिक्वायरमेंट उनके केटरिंग डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें इन्हें जरूरत है ट्रांसपोर्ट टीम सुपरवाइजर की, स्टोर कीपर, सीनियर टेक्नीशियन, मील ऑर्डरिंग कोऑर्डिनेटर की जरूरत है, केटरिंग सर्विस कोऑर्डिनेटर, सिविल टेक्नीशियन, बचर, बेकर, केटरिंग असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट और लोडर स्टीवर्ड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सभी पोस्ट के लिए आपके पास 3 से 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एयरलाइन की केटरिंग में। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी ले लीजिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए रिक्वायरमेंट जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिक्वायरमेंट है दुबई के लिए, इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 4 मई को चेन्नई में। और रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं, इन्हें जरूरत है मेसन चार्ज हैंड, इसके अलावा स्टील फिटर चार्ज हैंड की भी रिक्वायरमेंट है, सीनियर कारपेंटर चार्ज हैंड और स्काफ होल्डर चार्ज हैंड। इन सभी पोस्ट के लिए देखिए कंपनी को 20 लोगों की जरूरत है, 20 20 लोग की जरूरत है सारे पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम सैलरी आपको दी जाएगी 2200 दिरहम। और इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और कंपनी आपको रहना ट्रैवलिंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके जो है इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए रिक्वायरमेंट सिंगापुर के लिए है, इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा 15 मई को त्रिची में। ये रिक्वायरमेंट है नर्सिस के लिए, तो नर्सिस नर्स की जरूरत है, सिंगापुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसमें सबसे पहले नहीं चाहिए रजिस्टर्ड नर्स। उसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी 1,60,000 रुपया पर मंथ इंडिया के हिसाब से। उसके लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए नर्सिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा एनरोल्ड नर्स की भी जरूरत है, इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 1,20,000 रुपया पर मंथ इंडिया करेंसी के हिसाब से। और क्वालिफिकेशन में आपके पास जीएनएम या तो फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये थी रिक्वायरमेंट, देखिए इनमें से अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप, तो सबसे पहले स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजें आप या पढ़ लीजिएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंटेशन में, ये सारी चीजें आप इन्हें ईमेल कीजिए। उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पर कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके डिटेल में आप इनके दिए गए एड्रेस पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। देखिए रिक्वायरमेंट दुबई के लिए है, और इसका जो इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन होने वाला है, इंटरव्यू जूम के द्वारा मोस्टली होगा। ये जरूरत है इन्हें इलेक्ट्रिशियंस की, जिसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 2100 दिरहम, और इसके लिए आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। कंपनी आपको जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी और 3 साल का जीसीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें देखिए कंपनी फिलहाल तो सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स को ही अप्लाई सिलेक्ट करी, तो जितने भी इंडिया से है सभी के सभी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पे दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा, और इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी ले लीजिएगा। माफी चाहता हूँ, इन्हें देखिए साउथ इंडियन कैंडिडेट्स की जरूरत है, ठीक है, ये साउथ इंडियन कैंडिडेट्स जितने भी है वो अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए रिक्वायरमेंट जो है ये एक मिडिल ईस्ट एफजेडी यूएई कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है,
यूएई के लिए है, जिसका क्लाइंट अभी होने वाला है 6 मई सैटरडे को मुंबई में, नवी मुंबई में होगा एक्चुअली। और ये रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं, इन्हें जरूरत है सीएनसी मशीन ऑपरेटर की, डायमेंशनल इंस्पेक्टर सुपरवाइजर जो कि स्टोर कीपर के लिए, फिटर असिस्टेंट, फैब्रिकेटर और फिटर, इसके अलावा वेल्डिंग चार्ज एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर, एक्सपीडाइटर, एमआईजी वेल्डर 3G, स्टील फैब्रिकेटर, रिजर और हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर के लिए भी आपके पास यूएई का लाइसेंस होना जरूरी है। और ये थी रिक्वायरमेंट्स, देखिए इसमें कंपनी आपको रहने और खाने का अलाउंस प्रोवाइड करेगी और ट्रैवलिंग अलग से प्रोवाइड करेगी। और इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्टील फैब्रिकेशन में। तो देखिए इसमें कंपनी को काफी सारे लोगों की जरूरत है, तो जितने ज्यादा लोग हो सके अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अप्लाई करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो था हमारा पसंद आया होगा। और अगर आप इसी तरह की जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे वो जॉब दुबई में, सऊदी में, माल्टा में, यूरोप में, अमेरिका, लंदन, किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जो जॉब वैकेंसी आती है अब्रॉड की डेली हमारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।